अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजे के चपली कबाब। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और पास में जो बेल आइकॉन है उसे जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी जो बिल्कुल फ्री है। और मेरे वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 kg बीफ का कीमा है और इसमें थोड़ी सी चर्बी भी है और इसे अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने छन्नी में डाल दिया था। इसका सारा पानी मैंने खुश्क कर लिया है। कीमा आपने खुश्क ही लेना है, पानी वाला बिल्कुल भी नहीं लेना। और यहाँ पर मेरे पास है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर कचरी पाउडर है। अगर आपके पास ये ना हो आप कच्चे पपीते का पेस्ट भी ले सकते हैं, अगर वो भी ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 कटी हुई हरी मिर्चें मैंने ली है जो बहुत ही बारीक सा मैंने काट लिया है। और यहाँ पर एक बड़े साइज की प्याज ली है जिसे मैंने बहुत ही बारीक सा चॉप कर लिया है। और प्याज में पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क प्याज आपने लेना है। और 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया है मैंने जिसे बहुत ही बारीक सा मैंने काट लिया है। आप चाहें आप इसे थोड़ा मोटा भी काट सकते हैं। और यहाँ पर 3 टेबल स्पून मेरे पास भुना हुआ बेसन है, बेसन आपने कच्चा नहीं लेना, भुनना जरूरी है। और यहाँ पर मेरे पास है 1 टेबल स्पून घी है, आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून अनारदाना पाउडर है, यहाँ पर साबित मैं यूज नहीं कर रही, अगर आप साबित यूज करना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा सा कूट लें और फिर यूज कर लें। 1 अदद अंडा लेंगे और कुछ पाउडर मसाले हैं, इनमें है 1 टीस्पून नमक, नमक आप टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं आप। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ जीरा है, 2 टेबल स्पून भुना और कुटा हुआ सूखा धनिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। और यहाँ पर 2 चुटकी में अजवाइन ले रही हूँ, आप ये स्किप भी कर सकते हैं, आपको पसंद हो तो ले लें, पसंद ना हो तो ना लें। तो चलिए अब कीमे को हम मेरीनेट करते हैं। कीमे में सबसे पहले डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, टमाटर और प्याज डाल देंगे। कचरी पाउडर, अनारदाना और ये सारे मसाले। मसाले आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, आपको ज्यादा पसंद हो तो आप ज्यादा ऐड कर लें। और ये घी डाल देंगे। और ये रोस्ट किया हुआ बेसन डाल देंगे। आप ये रेसिपी मटन में भी बना सकते हैं। और ये अंडा एक डाल देंगे, अंडे को मैंने फेंट लिया है, बस ये डाल दिया। अब इनको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसको आटे की तरह गूंद लेना है, बहुत ही अच्छी तरह से मसल मसल के गूंद लेना है इसको, बहुत ही अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। बस ये बहुत ही अच्छे से मैंने गूंद लिया है। आप चाहें इसमें कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। और बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि कबाब हमसे टूट जाते हैं चपली कबाब बनाते हुए, तो अगर आपके कबाब टूट जाएं तो आप इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। और ये है कि आपको कीमा जो है आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है, और कीमा आपने मशीन का निकला हुआ लेना है और बहुत ही बारीक सा कीमा आपने लेना है, तो आपके कबाब जो है वो कभी खराब नहीं होंगे, टूटेंगे भी नहीं। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए और इसमें हल्की सी चर्बी भी होनी चाहिए। बस ये मैंने गूंद लिया, अब इसको मैं फ्रिज में रखूंगी सेट होने के लिए तकरीबन 30 मिनट के लिए, उसके बाद फिर इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 30 मिनट पूरे हो चुके हैं और मैंने इसे फ्रिज से निकाल दिया है, ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है आप देख सकते हैं। अब इसके कबाब तैयार करेंगे और फ्राई कर लेंगे। पहले मैं इसका नमक चेक कर लूँ, कम लगा तो मैं और ऐड कर दूंगी। नमक इसका थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लूंगी और इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस इसे मिक्स कर लिया, अब इसके कबाब बना लेंगे।
कबाब आपने ज्यादा मोटा नहीं बनाना, क्योंकि जब ये ऑयल में जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है, तो इसीलिए थोड़े बड़े साइज के बनाने हैं। इस तरह से बस इस तरह से बना लिया। अब ये फ्राई करेंगे। अच्छा, ऑयल को मैंने यहाँ गर्म करने के लिए रख दिया पहले से ही, इसको शेलो फ्राई करना है। बस इसी तरह से बना बना कर फ्राई कर लेंगे। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने फ्राई करना है, तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए, ज्यादा देर तक इसको फ्राई नहीं करना। कलर जब डार्क हो जाएगा तो ये अच्छे नहीं लगेंगे। इसको डालकर फौरन टच नहीं करना आपने, बस ये 3 मैंने डाल दिए हैं। बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है इनकी घर के मसालों में ही। फ्राई हो चुका है, निकाल लेंगे। बस ये फ्राई हो गए, बाकी के भी सारे इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तैयार हो चुके हैं हमारे बहुत ही मजे के चपली कबाब। आपने बहुत सी रेसिपी ट्राई की होगी चपली कबाब की, लेकिन इस दफा मेरी रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसे जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी, जो बिल्कुल फ्री है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।